मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मम्मी चाय बना रही है, वो चाय बनाने को बोला है और मुझे ये बर्तन धोने को कहा है मम्मी ने। क्या जिंदगी है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। गाइस, मैं दूध लेके आ गया हूँ। दोस्तों, गर्मा गर्म चाय रेडी है। क्या है भाई जी? दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. मेरे 3 किलोमीटर रनिंग हो चुके हैं। दोस्तों, मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ और अभी 9:15 बज चुके हैं और मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं ऊपर लेके आया हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाया देखो। तो दाल और चावल है, ये लड्डू है। बस शुरू करते हैं, मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे बताता हूँ। ये मेरी मम्मी है, अभी ये हमारे लिए आमरस करके लाई है। तो अभी ये आमरस माँ बोल रही है, हमेशा खाता रहता है, बुक्कड़ कह रही है, मराठी में खाओ गुल्लाओ जिससे कहते हैं। हंस रही है मम्मी। बाय मम्मी, थैंक यू। तो मैं जा रहा हूँ मेरे वाइफ और सिस्टर को पिकअप करने। घर पे लौट चुका हूँ मेरे सिस्टर और वाइफ को पिकअप करके। मम्मी ऐसा ड्रेस पहन के अभी पैच भरने के लिए जा रही है। मेरी मम्मी खेती भी करती इसलिए। तो दोस्तों, अभी पायल आ चुके हैं और वैष्णवी भी आई है, को साड़ी दे रही है। ये वैष्णवी को हमेशा यूनिक साड़ी चाहिए पहनने को। अभी ये बोल रही है कि सारी जितनी भी पायल के पास साड़ी है वो सारी पहन चुकी हो। तो गाइज, 12 बज चुके हैं और मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है। गाइज, वो धूप में प्याज भर रहे हैं तो फिर उनके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। पानी भर चुका हूँ। काफ़ी गर्मी हो रखी है, पर किसानों की लाइफ ऐसी होती है दोस्तों, हमें हर वक्त काम करते रहना पड़ता है। फैमिली अभी भी खेती करती है, तो हमारे खेतों में मोस्टली प्याज होता है। प्याज का सीज़न चल रहा है तो फिर मार्केट में लेके जाना पड़ता है बेचने के लिए। ये पानी लाया हूँ मैं। पायल देखा था ना, ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरी मम्मी है और ये पायल और ये हमारे पैच। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I... थोड़ी सी हेल्प। तो दोस्तों, दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी हो गया लंच टाइम। तो 1 घंटे के लिए ब्रेक लेंगे और फिर से काम अपना शुरू। ए सुनील सर। तो दोस्तों, हमने डिसाइड किया है कि हम खाना खाते टाइम जो हमारा कल का पहला ब्लॉग है हमारे चैनल के ऊपर, वो सब फैमिली साथ में बैठ के देखेंगे। तो यहाँ पे पायल बैठी है, यहाँ पे सुनील बैठा है और यहाँ पे मम्मा बैठी है। तो हम अभी टीवी पे ब्लॉग लगाएंगे और देखेंगे देखेंगे कैसे। और 14 व्यूज आ चुके हैं, उसमें से 10 मेरे खुद के चल रहे शॉर्ट्स। तो घर वालों को तो ब्लॉग पसंद आ गया है, अभी बाकी दुनिया को आए तो बात है। गाइज, मेरी मम्मी अभी इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करने वाली है, तो करो सब्सक्राइब मम्मी जल्दी से। ये मेरे 6 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है चाय पीने का। चाय बन चुकी है, अभी चाय पियेंगे।
बटाला चटके पास थे म्हणून लागतो तुला की मम्मी को कम चाय चाहिए पापा को जो पैच है वो स्टोरेज करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ डाल दिए इसको चाल बोलते हैं हमारे मराठी भाषा में जहाँ पे हम पैच को स्टोर करके रखते हैं उसमें डाल दिए गाइस हमारे गांव में चल रहा है पिछले 6 दिनों से एक प्रोग्राम जो है रामकथा का आयोजन किया गया था इस साल तो आज उसका सेकंड लास्ट डे है और हमारे गांव में अब शाम को लगभग 5:30-6 बजे के आसपास एक छोटी सी यात्रा निकलेगी तो मैं उसमें जाने वाला हूँ दोस्तों ऑफिस हो चुका है ख़त्म अब जाऊँगा मैं हमारे गाँव में फटाफट से कपड़े चेंज कर लेता हूँ तो मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी निकलते हैं अब देखो कितनी तेज चल रही है आज गाइज अब हम घर आ चुके हैं मेरे ग्रैंड फादर सोए हुए यहाँ पे और ये सुनील है गाड़ी पे ये सुनील अभी मेरे बाबा को वीडियो दिखा रहा है मेरा पहला वीडियो मैं आ गया हूँ घर में और फिलहाल बन रहा है खाना मम्मा महाराष्ट्र में एक फेमस डिश है जिसको कहते हैं झुनका भाकर उसको हमारे लैंग्वेज में कहते हैं पिठलं भाकरी तो आज बनने वाला है वो चीज़ की मैच चल रही है और थला धोनी ऑन द क्रीज मजा आने वाला है आज 9 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर कोई बोले गाड़ी लगा दी है राक्षसांची नगरी आहे माया फिरू मग तो अब आ चुके हैं घर और आज बस इतना ही था इस दिन में आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय